अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रीमी फ्रूट सैलेड। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब हम कस्टर्ड बना के तैयार कर लेंगे। इसके लिए लेंगे हम, यह है 1 लीटर दूध, शक्कर लेंगे 250 ग्राम। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और दूध को पकने के लिए रख देंगे। और जब तक कि दूध गर्म होगा हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे। यह है वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर, तो 4 टीस्पून लेंगे हम। 1 लीटर दूध के लिए काफ़ी हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में अब हम ये पकते हुए दूध में ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये जो दूध है अब अच्छे से पक रहा। तो अब हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर लेंगे। एक हाथ से इस तरह से कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करेंगे और एक हाथ से अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो कस्टर्ड का मिक्सचर दूध में ऐड करने के बाद में सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे और इसके बाद में हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। और ये जो कस्टर्ड है इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पका कर हम फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे। और फ्लेम ऑफ कर लेने के बाद में अब हम इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे, यानी कि बिल्कुल ठंडा रहना। तो इसको हम फ्रिज में रख कर ठंडा कर लेंगे। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा हम इसमें जो भी फ्रूट्स ऐड करना है वो ऐड करेंगे। तो फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी लेना है ले सकते। तो सबसे पहले अब हम ऐड करेंगे इसमें खोआ। 100 ग्राम खोआ लेंगे, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तो कंडेंस मिल्क आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर ले सकते। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से काजू और पिस्ता कटे हुए। फ्रेश क्रीम लेंगे, 100 ml ऐड करेंगे क्रीम। अब ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मौज़ ऐड करेंगे, अब 6 मौज़ लेंगे। मौज़ को आप लोग जिस तरह से काटना चाह रहे हैं, छोटे पीसेस में या बड़े पीसेस में, उस तरह से काट ले सकते। और ये है सपोटा, 2 सपोटे लेंगे। तो सपोटे के भी हम छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड कर लेंगे। 1 अनार और ये है काली अंगूर, 100 ग्राम। हरे अंगूर लेंगे, 100 ग्राम। तो हरे अंगूर और काली अंगूर के भी हम छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से मिला लेंगे। और ये है कैंड पाइनएप्पल। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अगर ये ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिए। फिर भी अगर नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो हम 2 से 3 पीसेस लेंगे पाइनएप्पल के और इस तरह से इसके छोटे छोटे चंक्स बना लेंगे। और इसके चंक्स बना लेने के बाद में अब हम ये कस्टर्ड फ्रूट में ऐड कर लेंगे। सेब लेंगे हम 2। तो सेब के ऊपर का जो छिलका रहता है हम उसको निकाल कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो आप लोग इसको जब सर्व करना है जब ही फ्रूट्स ऐड कीजिए इसके अंदर। अगर पहले का पहले ही इसमें फ्रूट्स ऐड करके रख देंगे तो कस्टर्ड काला होना शुरू हो जाता, यानी कि इसमें के जो फ्रूट्स है वो भी काले होना शुरू हो जाते। तो जब भी इसको सर्व करेंगे, जब का जब ही इसमें फ्रूट्स ऐड करना है और सर्व कीजिए। तो जब भी सर्व करेंगे इसको बिल्कुल ठंडा रहना है। ज़रूर ट्राई करके देखिए क्रीमी कस्टर्ड फ्रूट सैलेड की रेसिपी को। रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।